दोस्तों अभी आपने देखा होगा जो टिकटॉक के बारे में आपने बहुत दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी टिकटॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पर टिकटॉक लगभग बैन होने वाला है। बैन कैसे होने वाला है, तो जैसे कि अगर आप गूगल प्ले पर जाएंगे तो इसकी रेटिंग थी यहाँ पर आप देखेंगे पहले 4.5 से आप देखेंगे तो 1.3 के समथिंग रह गई है। तो इससे ये पता चलता है यहाँ पर जो टिकटॉक है यहाँ पर जो इसके यूजर हैं बहुत सारे कम हो गए हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप एक टिकटॉक यूजर हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पर टिकटॉक पर आपको लाइक का ऑप्शन मिल जाता है लेकिन आपको डिसलाइक का नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। ऐसे यूट्यूब पर आपको लाइक का भी मिलेगा और डिसलाइक का भी मिलेगा। और यहाँ पर बात करें हम गूगल प्ले पर, तो फ्रेंड ऐसे ही आपको यहाँ पर गूगल प्ले पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा लेकिन अनइंस्टॉल के लिए आपको पता नहीं चलेगा कितनों ने अनइंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर इसको देखकर लगता है कि टिकटॉक जल्दी यहाँ बैन होने वाला है। और इसको देख कर ये भी लगता है जो हमारे यहाँ पर यूज़र हैं और बहुत से लोग चाहते हैं कि इंडिया में कि यहाँ पर टिकटॉक नहीं चाहिए हमें, इसी रेटिंग को देखकर पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो टिकटॉक है इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बन भी चुके हैं, बट इस रेटिंग को लेकर यहाँ पर ये पूरी तरह से बैन हो सकता है नहीं हो सकता है तो अभी ये आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो हम रेटिंग देख रहे हैं उसके अनुसार यही लगता है कि टिकटॉक बहुत जल्दी बैन होने वाला है। तो अपराइन आपकी क्या राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि टिकटॉक को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना जो अकाउंट है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करेंगे वो आप सबको पता होगा, ऑलरेडी मैंने अपना यहाँ पर अकाउंट रिमूव कर दिया है। तो जैसे कि आप मेरे डिस्प्ले पर देख सकते हैं, अगर फ्रेंड आपको यहाँ पर टिकटॉक से पूरी तरह से इंडिया से हटाना है तो आपको यहाँ पर पहले अपना अकाउंट ही इंस्टॉल, यहाँ पर आपको अकाउंट ही टिकटॉक को साफ तरह से पता चल जाएगा कि जो उसका अकाउंट है वो यहाँ पर जब डिलीट हो जाएगा तो इससे उसकी रेटिंग भी गिरेगी, कोई यूजर भी नहीं रहेगा और उसे कोई यूज भी नहीं कर पाएगा। तो जब यूज ही नहीं करेगा कोई तो यहाँ पर उसकी रेटिंग आएगी ही नहीं और इसी तरह से वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो साथ ही फ्रेंड बता दूँ जो यहाँ पर टिकटॉक है वो पहले भी यहाँ पर इंडिया पर बैन हो चुका है, दोबारा से फिर चालू हो गया। ऐसे इंडोनेशिया में भी हुआ, वहाँ भी बंद हुआ और फिर से चालू हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, टिकटॉक जब बंद हो जाता है उसके बाद यहाँ बोलता है जो हमारी पॉलिसी है वो उनमें हमने इम्प्रूवमेंट किया है, तो उस तरह से वो क्या करता है यहाँ पर पॉलिसी का चेंज करके दिखा के और दोबारा से चालू हो जाता है। तो जो उसकी पॉलिसी यूट्यूब के मुकाबले इतनी बेहतर नहीं है और इन्होंने इतना चेंज नहीं किया क्योंकि यूट्यूब में आपको यहाँ पर पता ही, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो फ्रेंड यहाँ पर यूट्यूब की जो पॉलिसी आपको बहुत ज़्यादा चेंज मिलेंगी और जो टिकटॉक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बात करें टिकटॉक की गाइडलाइन के बारे में तो यहाँ पर आपको टिकटॉक के गाइडलाइन के बारे में आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पर आपको हर तरह की गाइडलाइन मिल जाती हैं जिसके रिलेटिव यहाँ पर जैसे कि बात करें कॉपीराइट वगैरह, तो इस तरह की बहुत सारी गाइडलाइन होती हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो गाइडलाइन दी हैं आप उसके मुताबिक क्या कर सकते हैं। ऐसा टिकटॉक में आपको ज़्यादा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा जहाँ पर ऐसी गाइडलाइन मिलती है। यहाँ पर कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर अपना वीडियो डाल सकता है, अकाउंट बना सकता है और जिसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन यूट्यूब पर अगर आप किसी भी तरह का वीडियो कंटेंट वगैरह डालते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइन के तहत अगर आप बाहर जाते हैं तो यहाँ पर आपको यूट्यूब की तरफ से किसी भी तरह का एक्शन ले लिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिसी है जो यूट्यूब लेकर आता रहता है लेकिन टिकटॉक की यहाँ पर पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर कई बार बैन भी हो चुका है। लेकिन ये दोबारा से चालू होगा नहीं होगा तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप अगर टिकटॉक पे बात करें तो यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट बना के डाल देते हैं और वहाँ पर बहुत जल्दी लोग सर्च कर जाते हैं। जैसे कि आप एक हैशटैग देखेंगे जो इंडिया में बहुत सर्च कर रहा है, बैन टिकटॉक या बैन टिकटॉक इन इंडिया, तो इस तरह से यहाँ पर ये हैशटैग बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं और जो टिकटॉक है वो पूरी तरह से यहाँ पर अब लगता है कि बंद होने की कगार पर है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पॉलिसी का यूज करके ये टिकटॉक दोबारा से चालू करेगा नहीं करेगा या हमारे इंडिया की तरफ से इसे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें आगे पर निर्भर हैं, अभी हम यहाँ नहीं कह सकते। लेकिन जो अभी आप गूगल प्ले पर इसकी रेटिंग देखेंगे उसको देखकर लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर इंडिया में जो टिकटॉक है वो पूरी तरह से बंद होने वाला है। तो फ्रेंड इसमें आपकी क्या राय है तो ये कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर फ्रेंड आपको भी लगता है यहाँ पर टिकटॉक बंद हो जाना चाहिए तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट इंस्टॉल कर लीजिए, ये शुरुआत मैं अपने से ही कर रहा हूँ और आप भी ये कीजिए और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो सबसे पहले अभी यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं।